ये जो चाचा की आइसक्रीम वाली गाड़ी दिख रही है इस पे देख रहे हैं पोर्शन ही पोर्शन नजर आ रहा है। तो फिलहाल अब चाचा आइसक्रीम खिला रहे हैं, मिनी चोकोबार आ गया है। मतलब कितने उम्र में बाबा बहुत पहले ही जॉब कर चुके हैं, टीचर इसके पहले थे। यहाँ के लड़के जान है बहुत अच्छा पढ़ा हुए। गाइस हम लोग को पता नहीं था कि वहाँ पर मतलब कोचिंग का इतना ज्यादा परफॉर्मेंस होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राम, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त और हैप्पी होंगे। दोस्तों आज है सोमवार और मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो गया हूँ। अभी मैं कपड़ा वगैरह भी नहीं पहना हूँ, मैं पहनता भी नहीं हूँ। सुबह सुबह जब मैं जल देने जाता हूँ तो फिलहाल ये देख पा रहे हैं मैं जल लेके रेडी हो चुके। मेरे प्यारे दोस्तों मैं काली माँ के मंदिर पर पहुंच चुका हूँ। तो फिलहाल अभी कोई लोग जैसे मुझे लगता है कि अभी जल वगैरह चढ़ा के गए, तो मैं भी फिलहाल जल चढ़ाता हूँ अच्छे से दिल से। तो अब हम संजय सर से पूछते हैं कि मतलब इनका स्कूल का क्या नाम है, कोचिंग का क्या नाम है, तो फिलहाल कितने तक पढ़ाएंगे, तो सर आप ही बताइए। देखिए मेरा नाम संजय यादव है, मेरी कोचिंग लक्ष्य कोचिंग सेंटर पता भवानीपुर, वहाँ 1 से लेकर 12 तक बच्चों को कोचिंग पढ़ाया जाता है। हर सब्जेक्ट चलता है उसमें और बच्चों को प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। मतलब लक्ष्य कोचिंग सेंटर जो कि भवानीपुर में है, हमारे गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उम्मीद करता हूँ सर का नंबर मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा। और जहाँ तक हो सके 12th के छात्र, मतलब 1 से 12 तक के छात्र जितने हैं सारे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिलहाल लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप लोग आ सकते हैं। चलिए गाइस सब फटाक से निकलते हैं पोस्टर के लिए। फिलहाल ये पहला पोस्टर चिपकाने जा रहा है, ये देख पा रहे हैं दोस्तों इस तरह से कुछ है। वाह पकड़ो इसको, ये रहा भाई लेके आ गया, ले वगैरह सब कुछ हाथ में, ये देखो वाह लगाने का एक्सपीरियंस बढ़िया रहे तेरा हाथ बचा के। ये देखिए गांव में सारे छोटे छोटे लड़के आ गए हैं देखने के लिए सर को, इसको भी, इसको भी, इसको भी, एक इसको भी दो। तो कितना ही खुश हो गए ये लोग, मिल गया पैम्पलेट। इधर 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 लगाना जरूरी भाई साहब, क्योंकि इधर से सामने से आएंगे तो इधर देखेंगे तुरंत। ये लीजिए लक्ष्य कोचिंग सेंटर चाहिए, अभी अब जाएंगे तब लेना, ठीक है। अभी देखो उधर पंपलेट दे रहा, अभी जब जाएंगे तब देंगे गाड़ी से, ठीक है। हैप्पी हाँ सो तो हाँ बढ़िया मस्त, सीधे जाएंगे। हाँ हाँ सीधे जाएंगे, सीधे ऐसे तुमसे मिलके जाएंगे, ठीक। तुम्हारा नाम क्या बाबू? ओके okay. बगल में ही लगाना यार ताकि दिखे एकदम फोकस पड़े। अगर आपके पास कोई बच्चा होगा तो भेजिएगा। हमारे पास बच्चे हैं, बस इच्छा से बड़ा कुछ है नहीं इस जमाने में, जान ही रहे आप। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया काम किया। ये देखिए भाई साहब हमारे गांव के भैया हैं, ये भी साथ में है समर्थन में। देखो भाई हमको खेत खेत में चलना पड़ा है, क्या ही बताऊं, मतलब पोस्टर चिपकाने के चक्कर में कहीं भी जाना पड़े कोई बात नहीं। यहाँ के लड़के जान है बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। हाँ। कोचिंग सेंटर भवानीपुर। हाँ। देखिए चाचा अभी मतलब कोचिंग धीरे धीरे फेमस हो रहा है। हाँ। तो आप लोग भी सपोर्ट चाहिए, चाचा का सपोर्ट है पूरी तरह से। तो फिलहाल गाँव पे चलते हैं और ये पंपलेट बाबा को देते हैं। स्कूल का है मतलब 2-3 दिन डेमो क्लास करेंगे तब सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। नहीं मतलब इतने उम्र में बाबा बहुत पहले ही जॉब कर चुके हैं, टीचर इसके पहले थे। अभी बाबा को पेंसिल वगैरह सब कुछ बढ़िया से मिल रहा है, बढ़िया से जिंदगी चल रहा है एकदम प्रोफेशनल तरीके से। हेलो बाबा, उसमें गाइस हम लोग को पता नहीं था कि वहाँ पर मतलब कोचिंग का इतना ज्यादा परफॉर्मेंस होगा। मतलब सारे लोग वहाँ पर जितने बुजुर्ग थे सारे सबको पता है और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मतलब खुशी भी मिलता है एक प्रकार से यार, क्योंकि हमको नहीं लगता था कि गाँव में जा रहे हैं तो लोग इतना आदर और सम्मान देंगे। तो फिर इसी तरह हम अब गांव में चलते हैं पूरे और मेहनत शिद्दत से काम करते हैं। तो पंपलेट दो। तो फिलहाल आ रहा है हम समोसा खाने के लिए दुकान पर। तो फिलहाल पकौड़ी आया, खा पी के एकदम रेडी हो गए, फर्स्ट क्लास, मतलब एकदम फिर से टेंच मेंच हो गए। तो फिलहाल अब फिर से निकलते हैं पोस्टर चिपकाने भवानीपुर चौराहा का। दादी 12 तक कौन लड़के हुए पड़े वाले, तो रिजल्ट जब प्रॉपर ध्यान दे जा तो बढ़िया से। तो फिलहाल हम जहाँ पर आए हैं कितना ही मस्त व्यू दिख रहा है, देख पा रहे दोस्तों यहाँ का पुराना घर दिख रहा है कितना है अमेजिंग। इसको बोलते हैं खपड़ैला का घर, देख पा रहे मतलब एकदम इस घर से अमेजिंग ये घर दिख रहा है ना। फिलहाल इधर गली में चल रहा है लेकिन इससे पहले यहाँ पर लगा देते हैं, देख पा रहे दोस्तों कितना ही अच्छा व्यू दिख रहा है ना गली गली। तो दूसरे गांव में आने के बाद मतलब लोकेशन एकदम बढ़िया बढ़िया सा दिखता है क्योंकि सब कुछ अलग ही रहता ना, देख पा रहे हैं इतना ही बड़ा बड़ा घर जैसे कि दुबई का घर, ये देख पा रहे हैं कितना अमेजिंग सा घर दिख रहा है। और मेरे सारे दोस्त वहां पर चल रहे तो मैं भी चल रहा हूं। दोस्तों अभी तक आप लोग प्लीज लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए गाइस यहां पर सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं ब्लड लेने के लिए, सारे बच्चे आ गए हैं, सारे लोग को मिल गया पेपर। हाँ सब लोग खुश हो? अभी कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं है, बट जितना पंपलेट या सारा पोस्टर आया वो सब कुछ लगाए बिना हम लोग जाने वाले नहीं है। पोस्टर चिपकाते चिपकाते पहुंचे एक टेंपल के पास, देख पा रहे हैं इसको मतलब मस्जिद बोलते हैं। तो फिलहाल कितना ही स्वीट लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ। उसके अंदर अगर हम जाते तो डिटेल में आप लोगों को वीडियो देते हैं, बट कोई नहीं बाहर से दिखा रहा हूँ। आप लोग को अगर ये इसके बारे में नॉलेज हो तो मुझे बताना। सब कुछ खत्म हो गया है, ले वगैरह सब कुछ जीतना था सब कुछ लग गया है, पोस्टर एकदम बढ़िया से गांव में लग गया है। तो फिर अब हम लोग चल रहे हैं घर पर। तो चलिए सारे लोग चलिए बाय। तो चल रहे हैं घर पर, बाय।
तो फिलहाल शाम को अभी हम लोग एक बाग में घुस गए हैं, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में ट्रांसफर हो रहा है। अरे देख पा रहे हैं लाइन लग गया एकदम, कुछ बच्चे भी मिल गए हैं जो कि गुरुजी के मतलब शिष्य हैं, तो वो भी आ रहे हैं पीछे पीछे। एक पंपलेट मतलब एक बड़ा वाला पोस्टर लग रहा है, कितने सारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं, तो होंगे तो एकदम सपोर्ट कर लीजिएगा गाँव के। ये क्या दिख रहा है, मतलब दिख रहा है इंडिया का जैसे गेट, उस तरह से गेट दिख रहा ना, तो इंडिया के गेट पे मैं हूँ। तो फिलहाल क्या ही बताऊँ, मतलब आज मजा आ गया। तो अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो फिलहाल हमें आइसक्रीम वाले चाचा मिल गया, ठीक कर लिया। तो फिलहाल ये आइसक्रीम वाले चाचा, आप कहाँ से चाचा? हमारा घर, हाँ हमारा घर निपनिया। इनका चाचा का घर निपनिया। तो जो चाचा की आइसक्रीम वाली गाड़ी दिख रही है, इस पे देख रहे हैं पोस्टर ही पोस्टर नजर आ रहा है। तो फिलहाल चाचा का पता तो आप लोग देख ही चुके हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर पता भी दिख रहा है। आप लोग कॉन्टेक्ट करिएगा बड़े से बड़े जो है आइसक्रीम यानी ये सेल करते हैं। तो फिलहाल देख पा रहे हैं किस तरह से हम इसको पोस्टर यहाँ पर लगा दिए हैं। सेल करते हो, कंपनी देती है? हाँ कंपनी देती है। अरे तो आप पहुँचाएंगे ना लोगों के पास में? जैसे लगा हर गाँव जाते हैं। हाँ हाँ, इधर भी रास्ते में कुछ भाई साहब रुक गए हैं। भाई साहब हैंड भी लेते जाओ चाचा को, तो चाचा भी आ गए हैं रोड। अब चाचा आइसक्रीम खिला रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों चार बंदे हैं तो मिनी चोकोबार आ गया है। दो तीन दिन चार दिन पढ़ेंगे बच्चे, अगर उनको समझ में आ रहा है तो रुकेंगे भाई वो लोग। सच में बता रहा हूँ, लगभग हम लोग 500 से 600 पंपलेट बांट चुके हैं और बहुत ही पोस्टर चिपका चुके हैं। तो फिर अब चलते हैं दूसरे गाँव में, क्योंकि देख पा रहे हैं दिन भी ढल रहा है। बैठो बैठो आके बैठो, फटाक से आके बैठ जाओ। तो फिलहाल दोस्तों फाइनली मैं घर पर पहुंच चुका हूं और अच्छे से हम खाते हैं क्योंकि बहुत जोरदार से भूख लग गया। साथ में बता रहा हूं आज दिन भर से पैम्पलेट मतलब चिपका रहा हूं बाट, और आप लोगों को तो मैंने वीडियो में पूरा ये सब कुछ भी बता दिया कि कितने गांव में, लगभग 20 से 25 गांव में गए थे दोस्तों। तो फिलहाल खाना को जल्दी से खाते हैं। वैसे मैं कितने लोगों को अच्छा लगता है प्लीज कमेंट में बताना।